क्या मैं मेरी सेक्स ड्राइव 50 के बाद में कैसी बढ़ा सकता हूँ? मेरी उम्र 50 हो चुकी है और अभी मैं मेरी सेक्स ड्राइव कैसे बढ़ाऊँ, इसके बारे में लोग सवाल करते रहते हैं। मैं आपको 7 टिप्स ऐसे देने वाला हूँ कि जिससे 50 के बाद में भी आपकी सेक्स ड्राइव अच्छी मेंटेन रहेगी। नंबर एक ये है कि आपने कुछ तो भी नया ट्राई करना चाहिए। नया ट्राई करना चाहिए मतलब नई सेक्स पोजीशन है, नया बेडरूम है, नया बेडरूम का अरेंजमेंट है, फिर साथ में स्नान करना है, तो कुछ तो भी एक नई जगह पे जाना है, होटल में जाके चेक इन करो। ऐसा आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वही करते करते बोर्डम आ जाता है। नंबर एक, ट्राई समथिंग न्यू। नंबर दो, थिंक बियॉन्ड इंटरकोर्स। अभी बियॉन्ड इंटरकोर्स मतलब हो गया है कि सेक्स मतलब सिर्फ लिंग का योनि में प्रवेश करना और उसमें डिस्चार्ज करना, वो नहीं है, वो तो एक पार्ट है। उसके अलावा आपकी बातचीत, आपका रिश्ता, आपका एक साथ जुड़ना, लाइक बीइंग वन विथ ईच अदर। 50 के बाद में क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने काम धंधे लग जाते हैं या पढ़ाई करने लग जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ज़्यादा समय साथ में बिता सकते हैं, तो उसमें बीइंग वन विथ अनदर ये भी एक काम में आ सकता है। नंबर तीन, एक्सरसाइज करो। 50 के बाद में कभी सारी बीमारियां चालू हो सकती है। एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो डेफिनेटली सेक्स में भी फिट रहेंगे। नहीं तो जो आदमी शरीर से गया वो सेक्स में भी चले जाता है। चौथा, मेडिकेशन आपको कौन सी चालू है देखो, और डॉक्टर से आप मिलो और बोलना मुझे मेडिकेशन चेंज करके होना है, क्योंकि मेडिकेशन से मुझे प्रॉब्लम आता है सेक्स करने में। तो सकता है कि डॉक्टर आपको मेडिकेशन बदल देंगे और आपका सेक्स ठीक हो जाएगा। पांचवा जो है, गो स्लो आफ्टर इलनेस। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी एखादी बीमारी हो गई तो तुरंत उसके बाद में ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी मुझे पूरा सेक्स करना है और आना ही चाहिए करके। हो सकता है कि आपको बुखार आ गया और बाद में आप सेक्स करना चालू करते उसमें बराबर होगा नहीं। हो सकता है कि कोई फ्रैक्चर ठीक हो गया है, हो सकता है कि आपको एक्सीडेंट हो गया, या मतलब कुछ भी हो गया तो भी तुरंत उसके बाद में सेक्स करने की इच्छा नहीं करना, कि उसमें इमोशनली यदि आप फिट नहीं है तो हो सकता है कि आपको इरेक्शन नहीं आएगा, इरेक्शन नहीं आएगा तो आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा, चिंता, और फिर वो चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे। सातवां, आप अपने पार्टनर के साथ में बातचीत करो, ओपन कम्युनिकेशन, कि मेरी उम्र बढ़ गई है, 50 साल है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो गई है या हो सकती है, दिमाग के ऊपर बहुत लोड है, फिजिकली भी बहुत कष्ट करना पड़ रहा है, तो हमको आराम से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वाइफ ने सिर्फ लेटना है और आदमी को करने देना है, उसमें आदमी को मज़ा नहीं आता है, तो उसको ओपन कम्युनिकेशन करके उसको भी बोलना है कि भाई तू भी इनिशिएट कर। इनिशिएशन औरत ने भी करना चाहिए, उसने भी बोलना चाहिए, उसने भी हिस्सा लेना चाहिए, वो पार्टिसिपेट करती है तो अच्छा सेक्स हो सकता है। अल्कोहल और टोबैको से दूर रहो, ये बहुत दोनों भी खतरनाक दुश्मन है सेक्स के, जिससे आपको एथरोस्क्लेरोसिस के चांसेस पूरे हैं और जिससे पेनिस में ब्लड फ्लो कम जाता है, तो वो यदि आप बंद करते हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।